ओ साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम, श्रद्धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, बागेश्वर वाले श्री चमिता वाले बाबा की जय। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू है, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे, जाओ तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। ये हो बाबा। और जो जो मनोकामना लेकर आए हो जाओ, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओ। जय श्री राम। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी भी सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा के जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की है परंपरा। हमारे दादा गुरुजी, उनके भी गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, लेकिन इन 3 पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा, जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना। एक और बताएं, आज तक का रिकॉर्ड है जन जन ने बागेश्वर धाम के लिए जैसा भी सोचा वैसे ही पाया। आज की एक सुबह सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कोई पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, बोले चुनाव हो गए, ये वो दुनिया का, हम तो देखो हम 3 जिला में तो पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा, लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं है। बागेश्वर धाम के नाम सेम टू यू बोल देना, अपने बालाजी बहुत ताकतवर है, एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना ही को सब पत्ता साफ हो जाता है। हमने तो बड़े बड़े दुश्मन नेशनल इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान हो जाए। देखो हम आपको बताना ये चाहते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में कलियुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है। और मेरे पागलो, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजा कर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है, हम चाहते इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जाए, सब हनुमान जी के दास हो जावे। क्यों? और देवता हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलियुग के राजा, जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के ही माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, परिशीत जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है, कलयुग में भी श्री बजरंग बली का प्रताप है। पर आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर हवा भी सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती। उसी प्रकार संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी किलकोर करते हुए बैठ जाते हैं। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम। क्या नाम है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम धाम। और जितने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरु जी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, तुम्हारे लिए तो हमारे तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? जो विदेशों की पर्चा बना सकते हैं, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? सही बात, विचार करो, है
जो विदेशों के पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? तो क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, पर हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता